हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। यूनिट 6 पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स। नाउ ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, दो प्लेट है हमारे पास। एक प्लेट ये रहा, ठीक है, और एक प्लेट ये रहा। ये दो प्लेट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है, वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है, जो कि उसकी क्वालिटी क्या है, दैट इज लेमिनार। वो लेमिनार है, तो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, ठीक है, हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जो कि हमारा जो बेस प्लेट है उससे वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो दोनों हमने प्लेट रखा है, वो दोनों प्लेट का डिस्टेंस है टी, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। नाउ अब देखो, जो हमारा ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, उसका लेंथ है डेल एक्स और विड्थ है डेल वाई। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मीन्स फ्लूइड हमारा इधर की ओर से फ्लो हो रहा है। तो हमारा इसके कारण यहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा, दैट इज टाउ इंटू डेल एक्स इंटू वन, क्योंकि थिकनेस इसका हम जो मान रहे हैं इट इज़ वन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा शियर स्ट्रेस लगेगा, दिस इज टाउ प्लस डेल टाउ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इंटू वन, ठीक है। अब ये फ्लो इधर से आ रहा था, मीन्स प्रेशर जो एक्ट हो रहा है यहाँ पे, और एक प्रेशर अपोजिट की ओर एक्ट होगा। यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया डेल वाई इनटू वन, लेंथ इनटू विड्थ, और वन जो है विड्थ क्या है, पेपर, और इधर की ओर पी प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई। ओके, इट्स नॉट डेल पी, डेल एक्स, एंड डेल एक्स इनटू डेल वाई इनटू वन, ठीक है। अब देख रहे होगे यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है। उस टर्म को, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्शियली ऐड हो रहा है इंटेंसिटी, तो ये होगा अपना दिस इज डेल वाई, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है हमारा शियर स्ट्रेस, तो डेल वाई तो मल्टीप्लाई होगा ना टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारा टोटल इसका फिगर। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इससे पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया था फ्लो थ्रू द सर्कुलर पाइप लेमिनार, तो उसका जैसे जैसे उसमें हमने निकाला था, जो जो प्रॉब्लम था, जो जो प्रॉपर्टीज थी, सेम टू सेम हम यहाँ भी वही निकालेंगे, ठीक है। बाकी जो इस लेक्चर का न्यूमेरिकल है, इससे पहले जो हमने सर्कुलर पाइप किया उसके न्यूमेरिकल के लिए मैं टॉपिक थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में 2-3 ट्यूटोरियल लूँगा और उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास नोट्स हैं, इसी के बाद इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको मैं। देखो, जैसे कि मैं बताया था, जैसे उसमें हमारे चार प्रॉपर्टी लगा था, यहाँ भी लगेगा। यहाँ पर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन ये भी होगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी ये भी होगा, एंड द डिफरेंस इन प्रेशर हेड। प्रेशर हेड में जो हमारा फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, उसका डिफरेंस क्या है प्रेशर हेड का, वो भी, ये सब चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट किसमें, लेमिनार फ्लो व्हेन बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, नाउ कंसीडर टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो कंसीडर टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस टी अपार्ट। ओके, अ विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग बिटवीन दिस टू प्लेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। कंसिडर अ फ्लूइड एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल एक्स, जो हमने फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर किया था उसका लेंथ डेल एक्स, एंड द थिकनेस इज डेल वाई। एक्चुअली डेल वाई इज द थिकनेस। ओके,
एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द लोअर फिक्स्ड प्लेट, जो नीचे से प्लेट है वहां से वाई डिस्टेंस पे हमने, ये देखो ये था, हमने वाई डिस्टेंस पे अपना एलिमेंट कंसीडर किया था, ठीक है, जिसका लेंथ है डेल एक्स और थिकनेस है डेल वाई, और जो विड्थ है हमारा वो ऑन द पेपर साइड मीन्स यूनिटी हम मान के चलेंगे। नाउ इफ द विड्थ ऑफ द एलिमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पेपर इज यूनिटी, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट आर, चार टाइप के फोर्स हमारे उस फ्लूइड पे एक्ट होंगे जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है। फर्स्ट है हमारा द प्रेशर फोर्स, दैट इज पी डेल वाई इन टू वन ऑन द फेस ए बी, ऑन द फेस ए बी पे जो हमारा प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज प्रेशर फोर्स मीन्स प्रेशर इन टू एरिया ऑन द दिस फेस, ठीक है। सेकेंड है हमारा द प्रेशर फोर्स पी, दिस इज प्लस पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स इन टू डेल एक्स, ये प्रेशर, टोटल प्रेशर जो चेंज हुआ है वो इन टू एरिया ऑन द फेस सी डी, ऑन द फेस सी डी पे, ठीक है। नाउ द सियर फोर्स, दैट इज सियर फोर्स क्या होता है, सियर स्ट्रेस इन टू एरिया, ओके, सियर स्ट्रेस टाउ इन टू एरिया डेल एक्स इन टू वन ऑन द फेस बी सी, ऑन द फेस बी सी पे सियर स्ट्रेस, एंड द सियर फोर्स टाउ इन, इट्स नॉट इन टू, इट्स अ प्लस, डेल टाउ अपॉन डेल वाई इन टू डेल वाई डेल एक्स इन टू वन, दिस इज द टोटल सियर फोर्स, सियर फोर्स निकालना है, सियर स्ट्रेस दिस एंड दिस इज द एरिया ऑन द फेस ए डी, ऑन द फेस ए डी, ठीक है। नाउ फॉर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, ये स्टडी और यूनिफॉर्म फ्लो समझते हो ना, हर जगह यूज हो रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो मतलब वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे, एट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे जीरो होता है, डेट इज यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो फॉर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो देयर इज नो एक्सीलरेशन एंड हेंस द रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अ जीरो, तो जो भी फोर्स है ये चारों फोर्स को आप जब ऐड करोगे, चारों फोर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। अब कैसे ऐड, देखो पहला तो जो पी डेल, पहला फोर्स ये हमारा है हमने लिखा, प्लस दूसरा प्रेशर फोर्स, माइनस क्यों लिया हमने, माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमारा फ्लो फ्लो का डायरेक्शन इधर की ओर है और प्रेशर हमारा जो इंटेंसिटी है एट द फेस सी डी इसकी ओर एक्ट हो रहा है, इसलिए माइनस में लिया, ठीक है। ऐसे ही प्लस दिस शियर स्ट्रेस, ये भी अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस लिया, और नाउ प्लस क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन में इसलिए हमने इसे प्लस में लिया, एट द फेस सी डी पे इज इक्वल टू जीरो। तो इसे आप कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, दिस इज माई इक्वेशन वन, ये हमारा इक्वेशन आया, ठीक है। अब इसके थ्रू हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, सियर डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, मैक्सिमम रेशियो निकालेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का, और कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टू ऑब्टेन दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पुट टाउ इज इक्वल टू म्यू, दैट इज विस्कोसिटी, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वाई, जैसे हमने सर्कुलर पाइप में किया था सेम करेंगे, बस थोड़ा सा अंतर होगा, फ्रॉम दिस, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर लेमिनार फ्लो इज सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन जो था उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डेल पी अपॉन क्या था, डेल पी अपॉन डेल एक्स था इज इक्वल टू डेल टाउ अपॉन डेल एक्स था, तो डेल अपॉन डेल एक्स, टाउ की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यू डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो ये डेल पी अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, विस्कोसिटी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालना था, इस वेलोसिटी वाले टर्म को हमने एक तरफ कर लिया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, आप एक बार इसे इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू
इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, वाई को हटाना है तो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करोगे एक बार तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू, तो कॉन्स्टेंट है ये आपका डेल पी अपॉन डेल एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वाई स्क्वायर एक वाई सॉरी वाई एक टर्म एंटर हो जाएगा एंड दिस इज द कॉन्स्टेंट। अब हमें यू चाहिए, ठीक है, तो वाई अभी भी लगा हुआ, तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो वाई टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। करें इंटीग्रेट, नाउ अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार और इंटीग्रेट करें तो हमारा आ जाएगा यू इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सी वन है तो सी वन तो होगा साथ में वाई प्लस सी टू। ठीक है, अब हमें सी वन और सी टू को वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो हमें वेलोसिटी निकल आएगा, और उस वेलोसिटी से हमको पता चल जाएगा कि हमारा पाइप दोनों प्लेट्स के बीच में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ लेमिनार फ्लो का क्या है। तो सी वन और सी टू वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कोई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम दो टाइप का बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे। पहला जो बाउंड्री कंडीशन होगा वो होगा एट वाई इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स अगर हम वाई ये वाई वाई इज इक्वल टू जीरो मान लें तब वेलोसिटी क्या हो जाए हम मान रहे हैं दैट इज जीरो। और सेकेंड है एट वाई इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी मीन्स अगर यहाँ पे मान लें हमने पहले यहां देखा अब यहां देख रहे हैं देन ऑल्सो वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, और अब बोल सकते हैं इसे द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू जीरो, देन जो आपका ये इक्वेशन है ये इक्वेशन के अंदर क्या हेर फेर होगा, यू जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू जीरो प्लस सी वन इंटू जीरो प्लस सी टू, तो आपका जो सी टू आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नाउ द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई इज इक्वल टू टी और यू इज इक्वल टू जीरो, इसी इक्वेशन में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी वन इंटू टी प्लस जीरो, तो इससे सी वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन टू म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी, ये सी वन आ गया, अब शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सी वन आ गया। अब सब्स्टिट्यूट सी वन एंड सी टू इन इक्वेशन नंबर टू, हमने इस इक्वेशन को हम दे देते हैं नंबर टू। ओके, इक्वेशन टू में सी वन और सी टी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आएगा यू इज इक्वल टू वन बाई टू यू म्यू सॉरी इट्स म्यू नॉट यू डेल पी अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन अपॉन टू म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स और ये हमारा टी। तो जो हमारा फाइनल यू आएगा इसमें से वन अपॉन टू म्यू कॉमन ले लें, डेल पी अपॉन डेल एक्स भी कॉमन ले लें, तो बचेगा हमारा टी वाई, कुछ टर्म मिस हो रहा है क्या, जी नहीं, टी वाई माइनस हमने बाहर इधर की ओर लाया इसलिए उल्टा हो जाएगा टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, ये हमारा वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान, अगर हमारा डेल पी अपॉन डेल एक्स और टी और म्यू अगर हमारा कॉन्स्टेंट हुआ तो जो हमारा वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर ये किसका इक्वेशन है, यस ये पैराबोला का इक्वेशन है, मीन्स हमारा जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक नेचर का बना के होगा, पैराबोलिक नेचर का बना के देखें। ये दोनों प्लेट हो गया हमारा, मेन लाइन खींचा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पैराबोलिक नेचर। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा यू मैक्सिमम एट दिस पॉइंट पे यू मैक्सिमम, और जो हमारा स्ट्रेस चेंज होगा वो कुछ सेंटर से रेडियस की ओर, स्ट्रेस कंसेंट्रेशन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा। हमने इसके बारे में तो डिस्कस कर लिया, ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम
वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम देख लिए, सेकंड पार्ट में देखेंगे रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी आपका मैक्सिमम कब होगा, मींस यू मैक्स आपका कब होगा, जब आप वाई की जगह पे टी बाई टू पुट कर दोगे। इक्वेशन टू में वाई की जगह टी बाई टू पुट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यू मैक्सिमम हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है, डेल पी अपॉन डेल एक्स टी इंटू टी बाई टू माइनस वाई स्क्वायर था मीन्स टी स्क्वायर अपॉन फोर। तो आपका जो यू मैक्स हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस वन अपॉन एट न्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर। ये हमारा हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वेशन नंबर फोर। अब हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, कैसे निकलेगा एवरेज वेलोसिटी, इससे पहले भी हम डिस्कस किए थे। सो एवरेज वेलोसिटी यू डैश इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द डिस्चार्ज क्यू अक्रॉस द सेक्शन बाई द एरिया ऑफ द सेक्शन पी इंटू वन। डिस्चार्ज अपॉन एरिया इज कॉल्ड वेलोसिटी, वैसे ही हमारा एवरेज वेलोसिटी निकले। यहाँ एरिया टी इंटू वन होगा। टी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट एंड द वन इज द यूनिटी परपेंडिकुलर टू द पेज। ठीक है, दैट इज द एरिया। एंड द डिस्चार्ज क्यू इज ऑब्टेन बाई कंसिडरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड थ्रू द स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई। जो हमने स्ट्रिप कंसिडर किया वहाँ से कितने रेट ऑफ फ्लो हो रहा ऑफ फ्लूड का हो रहा है, ठीक है, उससे। देयर फोर डी क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस वाई इन टू एरिया ऑफ स्ट्रिप। ठीक है, तो वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस वाई माइनस वन अपॉन टू यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर। हमने अभी ये इक्वेशन नंबर टू जो था हमारा यही था, ठीक है, इट्स नॉट इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर थ्री जो था हमारा ये था, हमने वेलोसिटी कंसिडर किया था इक्वेशन थ्री में, हमारा ये वेलोसिटी आया था जहाँ पे हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया था। नाउ एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या है, डी वाई इंटू वन। जो हमने एरिया कंसिडर किया था, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया था, उसका थिकनेस टी वाई था, थिकनेस वाई था, ठीक है, सॉरी डेल वाई था, और द विड्थ इज द वन। ठीक है, इसलिए नाउ अब क्या करो, इसको आप इंटीग्रेट कर दो जीरो से टी, बेस वाले प्लेट से अपर वाले प्लेट तक जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो आपको देख लो ये कैसे इंटीग्रेट हुआ, जीरो से टी माइनस दिस पूरा वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, ये इतना पार्ट इसमें डेल वाई के टर्म में इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी वाई स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री आएगा जीरो से टी पे। पुट करें अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, नाउ क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ट्वेल्व यू डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ एवरेज वेलोसिटी फार्मूला हम जानते हैं, डेट इज़ क्या, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। डिस्चार्ज हमारा अभी निकला इंटू एरिया क्या था? हमने बताया था टी इंटू वन, टी इंटू वन हमने एरिया कंसिडर किया। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका इक्वेशन सिक्स जो बनेगा हमारा, दैट इज दिस, यू डैश इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन ट्वेल्व म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी स्क्वायर। ओके, नाउ हमारा अब तो डिस्चार्ज एवरेज वेलोसिटी भी निकल गया, मैक्सिमम वेलोसिटी भी हमारे पास है और एवरेज वेलोसिटी भी हमारा, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा इक्वेशन नंबर फोर है और हमारा एवरेज वेलोसिटी अभी जो निकला है इक्वेशन नंबर सिक्स है, डेट इज़ यू डैश। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आएगा कितना, थ्री बाई टू। रेशियो क्या आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का, डेट इज़ थ्री बाई टू। ओके, नाउ अगला है हमारा थर्ड वन इज द ड्रॉप प्रेशर ड्रॉप। प्रेशर ड्रॉप क्या है, इसे भी यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप में क्या हो रहा था, हमारा जो अभी इक्वेशन जो अभी इक्वेशन सिक्स जो आया है हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम ये है, एवरेज वेलोसिटी के थ्रू हम प्रेशर ड्रॉप निकालेंगे। ठीक है, नाउ इसे डेल पी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व यू डेल पी अपॉन डेल एक्स एक तरफ कर लें, बाकी सबको उधर भेज दें, तो ट्वेल्व म्यू यू यू डैश अपॉन टी स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो आपका प्रेशर निकल जाएगा, क्योंकि हम प्रेशर चाहिए था हमको, और ये ठीक है टू से वन तक आप इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ तो आपका पी वन माइनस पी टू हो जाएगा, एक्स तो हट जाएगा, बाकी ये कॉन्स्टेंट टर्म है जो हमारा बाहर आ जाएगा बचा एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन
एक्स वन माइनस एक्स टू हो जाएगा, ठीक है। नाउ पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू, ये माइनस साइन हटा तो ये एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, ठीक है, बाकी सेम। नाउ प्रेशर हेड, प्रेशर हेड क्या होता है, एच एफ से डिनोट करते हैं, प्रेशर हेड इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी होता है, तो दोनों तरफ हमने रो जी इंटू कर दिया, तो हमारा ये प्रेशर हेड का फॉर्मूला बन गया, एंड दिस इज माई इक्वेशन सेवन, ठीक है। अब लास्ट बचा हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। नाउ स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यू फ्रॉम इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री में से, इक्वेशन थ्री का जो हमारा था दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमारा था इक्वेशन थ्री में था, तो वो जो यू आया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें, पी इज इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई पे, ठीक है, ये यू पे पुट कर दें, डेट इज म्यू, डेट इज यू, यू की वैल्यू आई थी, यू की जगह पे हमने ये वैल्यू थी हमारी इक्वेशन थ्री, हमने ये पुट किया, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करें वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, इतना भी बाहर हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएट होगा, तो टी वाई था तो ये टी हो जाएगा, टी स्क्वायर था तो टू टी वाई होगा, होना चाहिए ना, तो कॉमन लेके वो कट जाएगा नीचे से, टी नीचे से, देखा यहाँ पे गलती ये है कि यहाँ पे वाई होना चाहिए, हमारा इक्वेशन जो था माइनस वन अपॉन टी यू, मैं दिखा देता हूँ, जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकला था, ठीक है, उसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना निकला था, u इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। और फिर इसका डिफ्रेंशिएट किया, ये तो कॉमन था, ये बाहर आ गया, टी वाई का डिफ्रेंशिएशन t और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू वाई, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, देयरफॉर शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू, ठीक है, डेल पी अपॉन डेल एक्स, यू से यहाँ क्या गड़बड़ है, ये म्यू से ये म्यू कैंसिल हो गया, बच्चा माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू डेल पी अपॉन डेल एक्स टी माइनस टू वाई, दिस इज माई इक्वेशन एट, ये हुआ सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। अब इसमें इस इक्वेशन में डेल पी अपॉन डेल एक्स और टी हमारा, डेल पी अपॉन डेल एक्स और टी अगर कॉन्स्टेंट हो गया, हैंस सीयर स्ट्रेस वेरीज लीनियरली विथ वाई, सीयर स्ट्रेस टी टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई की हो जाएगा, मीन्स जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे टी बढ़ेगा, देयरफॉर सीयर स्ट्रेस इज जीरो व्हेन वाई इज इक्वल टू टी बाई टू, वाई की जगह पर टी बाई टू रखोगे तो सीयर स्ट्रेस आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। बट सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा, जब वाई इज इक्वल टू जीरो और टी रखोगे, मीन्स डायग्राम से समझते हैं, ये देखो जैसे ये डायग्राम था, ठीक है, सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम कब होगा यहाँ पे, जब आप टी की इसकी वाई की वैल्यू आप जीरो कर दो, ये वाई जो था वाई की वैल्यू जीरो कर दो या वाई की वैल्यू टी कर दो, तो आपका ये क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे ही बन रहा था ना, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और जब वाई बाई टू मीन्स ये टोटल डिस्टेंस कितना है टी, और टी बाई टू मीन्स सेंटर पे, सेंटर पे वाई इज इक्वल टू टी बाई टू, सेंटर पे जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपका वहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो से ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम की ओर जा रहा है, मैक्सिमम की ओर जा रहा है, तो ये था हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये था हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ये था हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ तक हो सके मैं हेल्प करूँगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो